जनपद बाराबंकी के थाना क्षेत्र बड्डूपुर के अंतर्गत तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों लोग स्कूटी सवार घायल हो गए। पुलिस व पीआरवी 1730 ने तुरंत 108 से घायलों को इलाज के लिए सीएससी घुंघटेर भेजा गया है। अरविंद कुमार की रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी के थाना क्षेत्र दरियाबाद के अंतर्गत घुसभर गांव पर सैकड़ों वर्ष पुराना मनसादास का मंदिर है तथा बगल में जमीन है जिस पर गांव के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। सब विधायक जी की चाल है इसमें, सब विधायक जी की चाल है इसमें जी, जी। पहले यहाँ पर दशहरा भी लगता था, दशहरा लगता था, रावण वध होता था, रावण जलाया जाता था। जी जी जी। अब इस पे अवैध कब्जा इस पे बनाकर, अवैध कब्जा अभी तक जो प्रोग्राम होते थे उसमें वो जमीन खाली कर देते थे। हाँ, वो खाली ही पड़ी रहती थी, पड़ी रहती थी। ये लोग पैसे के दबाव से और कुछ इधर उधर से सेटिंग बना करके और ये लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम लोग हर पॉइंट पे रोकते रहे हैं, उसके बाद यथास्थिति पड़ी रही। अब मौका देखते हैं ये लोग ऐसा करते आप लोगों के। वो जो वहाँ पर है ये विधायक जी, वो कह रहे थे विधायक जी का टेलीफोन है और हम वहाँ पर पहुँचे तो हम कौन कह रहा था विधायक जी का फोन है? वो लोग कह रहे थे कि विधायक जी का टेलीफोन आया, वो महाराज दीन लोग। अच्छा, वो कह रहे थे वो हमारे रिश्तेदार हैं। जी जी, समझे ना जी। वो कह रहे थे विधायक जी के हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं और वहाँ का टेलीफोन आया तो पुलिस वाले वहाँ पर गए जी। सब लोग जो वहाँ पर कब्जा हटवाने लगे, वो गिट्टी उट्टी जो है वो इनके घर के सब आदमी सारे आदमी उठा करके उस तरफ पूरे रहे। पुलिस वाले खुद बाबा जी ये बोले कि देखो ये यहीं पर रहने दीजिए, लेकिन वो कहे बस चुप शांत रहो वहाँ पर जी। समझे जी। सब विधायक जी की चाल है इसमें, सब विधायक जी की चाल है इसमें। गिट्टी इनके कुड़ाई रहा है जाने से। मेला होता रहा भी नहीं। हाँ, मेला होता रहा। किसकी जमीन है ये? जमीन तो पहले ही सब नहीं रहा। ग्रामीणों के मुताबिक वह जमीन बाबा मनसा दास की है जिस पर गांव के सभी लोग सार्वजनिक तौर पर उसका उपयोग करते थे। वह जमीन ग्राम समाज की आबादी में है जिस पर किसी का भी कब्जा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जब विधायक से बात की गई तो विधायक ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस मामले में आप एसडीएम से बात करें। एजेड न्यूज के लिए कमल मिश्रा की रिपोर्ट। राम सनेही घाट बाराबंकी।